एक लड़का था पाशा, जो हर एक कहानी के विलन से डरता था। कभी कभी कहानियाँ पढ़ने के बाद वो तरह तरह की चीजें इमेजिन करता, फिर उसे डर लगता और वो दूसरे बच्चों को भी उन डरावने कैरेक्टर्स से डराता। और अब मैं बताऊंगी उसकी इस आदत का क्या डरावना नतीजा हुआ। एक बार की बात है, क्लास 4B के बच्चे कैंपिंग करने गए। उन्होंने जगह चुनी, अपने टेंट्स लगाए, कैंप फायर के पास जमा हुए। तभी पाशा ने कहा, यहाँ पर कैंप लगाना सही नहीं होगा। इस जंगल में बाबा यागा रहती है, बात मानो। वो कुछ गड़बड़ करेगी, तुम सब देख लेना। वो किसी को एक बड़े चम्मच पर बिठाकर अवन के अंदर डाल देगी। पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और फिर जब सुबह हुई, अरे बाप रे, ये कौन है? पाशा को मच्छरों ने इतनी बुरी तरह से काटा था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। जरा मुझे देखो, पाशा ने कहा। जरूर बाबा यागा ने ही मच्छरों को मेरा सारा खून पीने के लिए भेजा होगा। सबको उसकी बात पर हंसी आई और स्वेटा नाम की लड़की ने उसे मच्छर वाला स्प्रे दिया। शाम होते ही पाशा ने अपने पूरे टेंट पर वो स्प्रे छिड़का और उसने कहा, तुम देख लेना, आज रात तो बाबा यागा जरूर आएगी। वो यहाँ आकर हम सबको खा जाएगी और हमारी हड्डियों पर सवारी करेगी। और सच में रात को कुछ भयानक हुआ। बादल गड़गड़ाए और बिजलियाँ चमकी और अगली सुबह पाशा के जूतों में पानी भर गया था। मुझे यकीन है बाबा यागा ने जादू से बारिश कराई थी, उसने कहा और फिर अपने जूतों से पानी निकाला। सबको उसकी बातों पर हंसी आई, उसे अपने जूते बाहर नहीं छोड़ने चाहिए थे। डीमा नाम के लड़के ने उसे अपने एक्स्ट्रा सूखे जूते दिए। सब बच्चे जंगल में जाने लगे रास्पबेरीज लाने के लिए और पाशा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि इस अंधेरे जंगल में रहती है बाबा यागा, चिकन के पैरों पर बने एक घर में। उसके घर के बाहर एक फेंस है जो गायब हुए स्कीयर्स के स्कीज से बनी है और उन पर लटकी है खोए हुए मशरूम हंटर्स की टोकरियाँ। एक बार फिर सबको उस पर हंसी आई। तानिया नाम की लड़की ने उसे एक पतीला और दलिये का पैकेट दिया। तो फिर तुम दलिया पकाओ, उसने कहा, हम वापस आकर लंच में दलिया और रास्पबेरीज खाएंगे। सारे बच्चे रास्पबेरीज लेकर जंगल से वापस आए और पाशा सो रहा था। पतीले में दलिया जल रहा था और आग की चिंगारियां बाहर निकली थी जिससे सूखी घास में आग लगी थी और वो टेंट्स की ओर बढ़ रही थी। बच्चों ने अपने पैरों से आग को बुझाया और एक लड़के ने पाशा को जगाया और उससे कहा, तुमने आग और दलिये पर नजर क्यों नहीं रखी? मैंने कुछ नहीं किया, ये बाबा यागा का काम है, उसने मुझे सुला दिया ताकि हम उसकी रास्पबेरीज ना खा पाए। अब देखो वो आएगी अपनी ओखली में बैठकर, अपने निशान मिटाने के लिए हाथों में झाड़ू लेकर। और सच में तभी आसमान से आई एक तेज तूफान की आवाज। तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ झूलने लगे और फिर एक नीला हेलीकॉप्टर कैंप साइट पर उतरा। यूनिफॉर्म पहना हुआ एक आदमी बाहर निकला। पाशा ने उनके पास जाकर उनसे पूछा, क्या आप बाबा यागा है? नहीं, उस आदमी ने कहा, और मैं कोई डरावना भूत भी नहीं हूँ। हम तो इमरजेंसी सर्विस के फायरमैन हैं। हम जंगल पर ऊपर से नजर रखते हैं ताकि आग से उसकी रक्षा कर सके। मैंने यहाँ से धुआं आता देखा और पास में कोई था जो हिल नहीं रहा था। हम ये देखने आए कि कहीं यहाँ आग तो नहीं लगी। नहीं, एक लड़की ने कहा, पाशा आग के पास सो गया था। ये सब बाबा यागा की गलती है और हम आगे से ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है बच्चों, फायरमैन ने कहा, इसके लिए तुम्हें मिलेगी आइसक्रीम और एक फ्री फिल्म जिसमें जंगल में आग जलाने के नियमों को समझाया गया है।
और हम पाशा को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे ताकि वो अपनी आँखों से देखकर तसल्ली कर सके कि जंगल में कोई बाबा यागा नहीं है। तुम ऊंचाई से डरते तो नहीं हो ना? उसके बाद पाशा को एहसास हुआ कि बाबा यागा से डरने वाली कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ आग से डरना चाहिए और कभी भी जंगल में जलाए कैंप फायर से नजर नहीं हटानी चाहिए। एक अच्छा लड़का था, उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन से डर लगता था। अगर पास में कोई बिल्ली छींक देती तो उसे ऐसा लगता कि अब उसे जरूर आ जाएगा हार्ट अटैक। अब मैं आपको बताऊंगी उसकी ये बात एक भयानक कहानी में कैसे बदल गई। सारे बच्चे जानते थे कि वीरान दलदल के पास वाला तालाब बड़ा ही खतरनाक था। वो तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था, उसमें पानी भी कम था, पर बच्चे वहाँ चलने से डरते थे। सब कहते थे कि उस तालाब में रहते थे चिपचिपे मेंढक, खून के प्यासे लीचेस और एक बड़ा सा पानी का मॉन्स्टर भी। तो इन लड़कों ने उस पानी के मॉन्स्टर को पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना सामान बांधा और तैयार हो गए इस नए एडवेंचर पर जाने के लिए। कैशका और गैशका पुराने लकड़ी के बोर्ड्स ले आए और एक फ्लोट बोट बनाने लगे ताकि वो जा सके उस डरावने तालाब में। पर वो अपने हथौड़ों से लकड़ी को इतनी जोर से पीट रहे थे कि सायो मुश्का डर गया और रोने लगा। इतनी जोर से मत मारो, लग रहा है जैसे मेरे सिर पर मार रहे हो। कैशका और गैशका ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने तो फ्लोट बोट तैयार किया, उस पर सेल लगाई और हवा चलने का इंतजार करने लगे। और सायो मुश्का घबराता हुआ उस पर जाकर बैठ गया और बैठे बैठे बड़बड़ाने लगा। डर लग रहा है, अब हम डरावने तालाब में जा रहे हैं और उन्हें वहाँ चिकन पॉक्स हो सकता है और फिर वो मुझे भी बीमार करेंगे। सायो मुश्का ने अपने मेडिसिन बॉक्स को कस कर पकड़ लिया, जो मुश्किल वक्त के लिए उसकी दादी ने बैग में रखा था। दूसरी तरफ कैशका और गैशका एक पुराना लकड़ा ले आए और उसे किनारे से लगाकर धक्का देने लगे ताकि बोट आगे चल सके। अब तो हमारी खैर नहीं, सायो मुश्का ने सोचा। उन्हें उस पुराने लकड़े से जरूर टेटनस हो जाएगा, इसीलिए सायो मुश्का ने एक मास्क पहनने का फैसला किया अपनी बहती नाक को बचाने और टेटनस से बचने के लिए। ये तो अच्छा है कि उसके बैग में एक मास्क था जो उसकी दादी ने रखा था। कैशका और गैशका पसीने से लथपथ थे, पर वो धक्का देते रहे और उनके चेहरे लाल लाल हो गए। और सायो मुश्का को लगा कि दोनों को रोजोला बीमारी हो गई है। फिर उसने हरे रंग की दवाई की बोतल निकाली और बीमारी से बचने के लिए उसे पूरे शरीर पर लगा दिया। कैशका और गैशका गाना गाने लगे। हे जोर लगा के हाय शा, हे जोर लगा के हाय शा। और गाना गाते हुए उन्होंने इतना जोर लगाया कि उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी में जा गिरे। और उसी पल सायो मुश्का को घबराहट होने लगी, वो बुरी तरह डर गया और चिल्लाया। अब वो दोनों बुद्धू मुझे मछली वाली बीमारी दे देंगे। उसने बाहर निकाला एक डाइविंग सूट जिसे उसकी दादी ने उसके मेडिसिन बॉक्स में रखा था। कैशका और गैशका पानी से बाहर निकले और जोर जोर से हंसने लगे। और फिर उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो पानी का मॉन्स्टर जिसने एक डाइविंग सूट पहन रखा था और एक मास्क। कैशका और गैशका बिल्कुल भी नहीं डरे और उन्होंने पानी के मॉन्स्टर को उठाया और उसे ले जाने लगे लड़कियों के पास उन्हें डराने के लिए। पर लड़कियों को भी उससे डर नहीं लगा, उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि वो पानी का मॉन्स्टर तो सायो मुश्का था क्योंकि वो जोर से आवाज कर रहा था। तो बताओ क्या आपका
कभी सायोमुष्का जैसे लड़के से मिले हैं? वो खांसते और छींकते रहते हैं और सभी बीमारियों के बारे में सब कुछ जानते हैं। और वो अपने आसपास के बच्चों को तरह तरह की बीमारियों के नामों से डराते हैं। वो रोते हुए अफवाहें फैलाते हैं और लोग भी डर जाते हैं और दवाई की दुकान पर जाकर हर तरह की दवाइयाँ खरीद लेते हैं। हमें अफवाहों से दूर ही रहना चाहिए। बस अपना ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए और हमेशा साफ सुथरे रहिए। फल और सब्जियाँ खाइए। इस तरह से कोई इन्फेक्शन, बीमारियाँ, कोई रोग, कोई बैक्टीरिया आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1, 2, 3 और 4, 5 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब अभी हो जाओ शुरू।